हेलो BFF। हेलो, आपके लिए मटर की कचौड़ी लाई हूँ, गर्मा गर्म। अच्छा, तो नाइस। ये प्रसाद कुलदेवी के मंदिर से है। साओ सर, नानी ने कहा कि दे दो तो मैं देने आ गई। जी, ये बड़ी दादी ने सामग्री की लिस्ट भेजी है, वो चाहते थे कि मैं आपसे क्रॉस चेक कर लूं। अच्छा अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राधे कृष्ण। मैं तो इसलिए आया था क्योंकि नैतिक सर आप भी, बाप रे बाप, आज आपने सिंगानियास का नाम मिट्टी में मिला दिया, नाक कटा दी सबकी। नाक, नाक कटवा दी, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भाई साहब, आपके घर से एक एक करके सभी लोग आ रहे हैं, हमारी जासूसी करने तो नहीं आ रहे हैं आप लोग कि हम लोग कौन से गाने में कैसा डांस परफॉर्म करने वाले हैं? नैतिक बेटा, ये आपको शोभा नहीं देता। कल आपने ही तो फोन पर कहा था कि मैं आज आ जाऊं वो शादी के अरेंजमेंट्स की डिस्कशन करने के लिए। हे भगवान, इस संगीत के चक्कर में हमारे दिमाग से निकल गया, आई एम सो सॉरी। चल आइए, वहां बैठ के बात करते हैं। सर, वो मैं मजाक कर रहा था, आपको तो पता ही है ना मैं कितना मजाक कर रहा हूँ। इसका बदला तो मेरी बेटी लेगी, जस्ट वेट एंड वॉच। सर, शीनी तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, अब क्या करूं? डोंट वरी कार्तिक, शेर मेंढक नहीं खाते। नायरा, तेरा मेंढक और उसका परिवार बहुत ज्यादा उछल रहा है, इनका कुछ तो करना होगा। एक भी सुराख हाथ नहीं लगने दिया उन लोगों ने। हाँ, मुझे भी कोई खास भाव नहीं दिया, बस धक्के मार के गेट से निकाला, नहीं प्यार से गेट तक छोड़ा है। बता भला ये भी कोई बात हुई? इतने प्यार से मैंने कचौड़िया बनाकर भेजी थी और वो तो उन्होंने रख ली, बस मुझे वापस भेज दिया। अच्छा अच्छा, वो तो रख ली ना। ऐसे कैसे ठीक है, आपकी कचौड़िया भी रख ली, वो तो हमने चारा डाला था ताकि हमारे जाल में फंस जाए। वो तो बहुत ही स्मार्ट निकले, चारा भी खा लिया और जाल में भी नहीं फंसे। वैसे तो हमें इतना लाड़ दिखाता है, पर जब कंपटीशन की बात आई तो अपने घर वालों का ही सगा हो गया। अरे कोई बात नहीं, तो हम भी शेर हैं और शेर घास नहीं खाते। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारा डांस उनसे बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, और जैसे उन्होंने हमें मौका नहीं दिया ना कुछ पता चलने का, हम भी उन्हें कोई मौका नहीं देंगे कुछ भी पता चलने का। उछलने दो उनको जितना उछलना है। हाँ हाँ, और क्या, तो चलो 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 हम लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। वैसे भी आज हमें घर पे ज्यादा काम तो है ही नहीं, काम करने के लिए दूसरे लोगों को बुलाया तो है। ये लोग भी आ गए अम्मा। चलो 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 प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चल चलो। लेडी को देखो, कुछ अजीब नहीं है? मुझे तो शक हो रहा है। ये पक्का कार्तिक है। मतलब जैसे हम इनकी जासूसी करने गए थे, वैसे ये भी हमारी जासूसी करने आया है। मैं बताता हूँ इसे। चल चल चल। बहन जी, आपके साथ एक छोटा सा काम था, आप आएंगी जरा? हाय। कब से देख रहा हूँ आपको काम करते हुए, काफी अच्छे टिंडे काट लेते हैं आप। इतने अच्छे टिंडे मैंने किसी को काटते देखा नहीं। दिल आ गया मेरा आपका। जी, ड्रामेबाज कहीं का, क्या सही औरतों वाली आवाज निकालता है। वाह, क्या आवाज है आपकी, मतलब एकदम मिश्री जैसी।
कानों में चाशनी की तरह बोल गई है आपकी आवाज। इस बात पे आपको जादू की छप्पी तो बनती है। यह आदमी मुझे छेड़ रहा था। हाँ। छोड़ा तू? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा कि वो गलती हमारी है। हमें लगा कि कार्तिक है। हमें लगा कि वो फेस बदल के आया है, तो हम प्लीज आप लोग भाई को गलत मत समझिए। इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। हाँ, मेरा भाई तो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। हाँ, सच। मैं जानती हूँ इस परिवार को, बहुत शरीफ लोग हैं। इनके घर में ऐसा नहीं हो सकता। आप कह रही हो बुआ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। आगे से इनको बोल दो ध्यान रखे। देखिए भाई साहब, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। चलो काम करते हैं। चीकू मरवाओगे तो जी छोरे का जल्द से जल्द ब्याह करवाना पड़ेगा, और न जी छोरा हम लोगों ने मरवावेगा। बच गया, बहुत बहुत बच गया, मरवा दिया था तुम दोनों ने। सॉरी भाई, मुझे लगा कि कार्तिक है। मुझे भी सॉरी, पर भाई जितना मैं उसे जानती हूँ ना, वो यहाँ आएगा सर। आप कौन? किससे मिलना आपको? भाभी माँ की फ्रेंड हूँ। आप खिला लीजिए ना जाके। आप बैठो, मैं अभी भाभी माँ को बता के आता। बैठो। थैंक यू। 2, 3, 4, 1, 2, 3 जबरदस्त डांस कर रहे हैं लोग। मैंने पहले ही कहा था ये लोग एक्सपर्ट हैं। अच्छा हुआ मैं आ गया। ज्यादा स्मार्ट मत बन। ठीक है ना, हमें पता है कि तू वहाँ क्यों गया है। वीडियो तो बहाना है सर। मासी क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो मैं यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डाल के आया हूँ, और अब ऐसी बातें कर रहे हो? नॉट फेयर। ओह हाँ, बस बस तू रहने दे। आप भाभी माँ से मिलने आए हैं ना? बस 2 मिनट बैठिए, वो आ रही है। आ गया। कितनी वो नायरा का स्टेप देख, ना अच्छा कर रही है। हम भी ट्राई करें क्या? हमसे थोड़ी हो पाएगा, नायरा तो ट्रेन डांसर है। दिखा, हमें भी दिखा। ये देखिए दादी, बहुत अच्छा स्टेप है ना। अरे कार्तिक कैमरा घुमाओ, हमें बाकी लोगों को भी डांस करते हुए देखना है ना। सॉरी सॉरी। यही मौका है, बस मैं अभी जा रहा हूँ। बाय बाय। अरे कार्तिक रुको, तो लड़का है ये। अरे वो लेडी कहाँ गई? जुड़ी एक्स्ट्रा घुंघरू रखे तो थे यहाँ पे, पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बाथरूम में ढूंढ कर आई थी, इधर गलती से आ गई जी। एक्चुअली मुझे बुला दीजिए बाथरूम की तरफ, तो चले जाओ। लेकिन आप है कौन? मुझे लगा तुम मेरी हर आहट पहचानती हो। कार्तिक, आहट का तो
पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता था कि तुम यहाँ आओगी, और वो भी भेस बदल के। हाँ तो मुझे इतने अच्छे से जो जानती है वो भी आ जाएगा। अरे क्या है? अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन इसके लिए नहीं कि कोई आ जाएगा, इसलिए कि अगर मेरा मन आ जाएगा तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ओके, पहले मैं जाता हूं। क्या कर रहे हो नायरा? देखो कोई शादी तक वेट कर। लड़की के फेस में नहरा को छेड़ रहा। सॉरी सॉरी कार्तिक, ये लगी तो नहीं, सॉरी यार कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। कार्तिक ये क्या कर रहे थे तुम? अगर तुम्हें लग जाती है कुछ हो जाता तो। बेटा ये कपड़े पहनकर यहाँ क्या करना चाहते थे तुम? डांस देखने आए थे या फिर इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है नैतिक जी। हाँ भाभी, पर काश बीता वक्त वापस लौट के आ पाता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।